हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी और द हिंदू एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह ये वीडियोज आते हैं, शाम को आते हैं पीआईबी के वीडियोस, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं। इनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलते हैं जो कि स्टडी आईक्यू का है, और फेसबुक ग्रुप जो मेरा है वहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ। सो दोनों जगह आप डाउनलोड कर सकते हैं इनको। और जो कंपाइलेशन जो है वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड है, और आपको खुद से कोई अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और जो भी जैसे कोई इशू छूट जाता है, जैसे कोई ज़्यादा आर्टिकल्स आ जाते हैं, तो वो उस वीक में आगे बैलेंस हो जाता है, उसको मैं कवर कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ मैं पेपर में। सो इट्स अ टोटली रिलायबल थिंग, और इसके अलावा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप एक घंटा जहाँ आप लगाते हो पीआईपी और इन दोनों के वीडियोस में, तो ये सफिशियंट है डेली के लिए। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स अपने पढ़ा कीजिए, चाहे वीडियोस हैं उनसे, मैगजीन से, उन सबसे, और बाकी पेपर और पीआईपी दोनों कवर मार डेली कर लेता हूँ, तो उसमें कुछ छूटता नहीं है आपका। ओके, अब शुरुआत करते हैं मोटिवेशन से। नेवर गिव अप ऑन व्हाट यू रियली वांट टू डू। छोड़ना नहीं है जो आप करना चाहते हैं। द पर्सन विद बिग ड्रीम्स इज मोर पावरफुल देन द वन विद ऑल द फैक्ट्स। देखिए, जिंदगी में क्या होता है, रियलिटीज इसके पास होती हैं, सब लोगों के पास रियलिटीज होती है, अपने अपने फैक्ट्स होते हैं, और अधिकतर लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है और अचीवमेंट थोड़े होते हैं, तो थोड़ी खुशी बड़ी होनी चाहिए लाइफ के अंदर, ये एक रूल होना चाहिए लाइफ का, स्ट्रगल ज़्यादा ही होने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा हम ध्यान देते हैं, तो फिर हम थोड़े से नेगेटिव भी हो जाते हैं, थोड़े से ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं। लेकिन देखिए, ज़्यादा पावरफुल रहने के लिए क्या ज़रूरत होती है, पावरफुल कौन बनाता है इंसान को, इंसान को पावरफुल बनाते हैं उसके इमोशंस, उसके अंदर की एनर्जी जो बनती है, वो पूरी हार्मोनल होती है। आपके दिमाग में कैसा जो है एक मूड है, आपके हार्मोन्स किस तरह के चल रहे हैं दिमाग में, इसको बोलते हैं ना केमिकल लोचा कैसा चल रहा है, तो वो आपको बूस्ट देते हैं, वो आपको एनर्जी देते हैं। और वो जब एनर्जेटिक आप होते हो, तब मैं कितनी बार आपको बताता हूँ कि जब एनर्जेटिक इंसान होता है तो वो कुछ भी कर जाता है, वो किसी भी समस्या को फेस कर सकता है। और कमज़ोर इंसान, एक फीकल माइंडेड इंसान जो होता है, वो थोड़ी सी समस्या में भी घबरा जाएगा और नॉर्मल इन काम भी वो अपना नहीं कर पाएगा, तो बड़े चैलेंज की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए हमेशा जो है अपने आप को बूस्टेड रखिए, और बूस्ट रखने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को बेवकूफ़ भी बनाना पड़ता है। और वो बेवकूफ़ क्या होता है कि मतलब हाँ, आप जानते हो कि नेगेटिविटीज़ हैं, लेकिन फिर भी आप अपने ड्रीम्स की तरफ देखते रहो, ताकि वो आपको पॉजिटिव एक वो देंगे, विजन देंगे, और उससे आपको एनर्जाइज रखेंगे, क्योंकि आप उसको पाने की कोशिश करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसकी तरफ भागेगा, तो आपको एनर्जी देगा, तो हर दिन आप कुछ एनर्जी से के साथ चल पाओगे, अदरवाइज नेगेटिविटी के साथ आप चल नहीं पाओगे। फैक्ट्स को भूलना कभी नहीं चाहिए, जो चीज़ फैक्ट है, सही में कोई समस्या है, उसको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन जहां बात अपनी एनर्जी की और अपने फोकस की जो बात है, वहां पर अपने आप को कमज़ोर कभी नहीं पड़ने देना आपको। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। फैक्ट्स को देखना, वो तो आपकी डीलिंग है, उससे आप डील करोगे। डील किससे करोगे, आपकी एनर्जी से करोगे। एनर्जी कहाँ से आएगी, आपकी मोटिवेशन से आएगी। तो अपने आप को पावरफुल बना के रखो, तो अपने जो ड्रीम्स हैं उनको हमेशा इंपॉर्टेंस दो, उनको हमेशा देखते रहो, बिना ड्रीम्स के कभी मत सो। और जिसके पास ड्रीम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है उस इंसान से जिसके पास सारे फैक्ट्स हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बात पावरफुल होने की है, बात मोटिवेटेड रहने की है। और दूसरी बात यह है कि आपको छोड़ना कभी नहीं है। इसके रिगार्डिंग कितने सारे कोट्स आते हैं कि हमेशा जब आप छोड़ने की सोचो, तो आप ये सोचो कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, व्हाई यू स्टार्टेड, वो आपको याद रखना हमेशा कि एक रीज़न था कि आपने कुछ डिसाइड किया था। और थोड़े टाइम बाद, कुछ टाइम निकालने के बाद में आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आपने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया। कभी भी जोश में लिया हुआ डिसीजन, एकदम से स्पॉन्टेनियस डिसीजन जो होता है, वो आगे जाके गलत साबित हो जाता है। तो धीरे धीरे अपने चीज़ों को बढ़ाइए, शक्तियों को बढ़ाइए, और डिसाइड भी कोई चीज़ के लिए करना, तो हमेशा ठंडे दिमाग से उसको कई बार सोचने के बाद में डिसाइड कीजिए कोई भी बड़ा डिसीजन। और उसके बाद ये अप्लाई कीजिए कि हमेशा अपने आप को एनर्जाइज रखिए, उस ड्रीम को देखते रहिए जो आपको पाने के लिए, जिसके लिए आपने स्टार्ट किया था, और फिर फैक्ट्स को डील करते रहिए, फैक्ट्स को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। फैक्ट्स को इग्नोर करने वाला इंसान भी कमज़ोर होता है, उसको वो जानबूझ के उस नेगेटिविटी को या फिर उस फैक्ट को छोड़ना चाहता है, क्योंकि वो उसे डील नहीं कर सकता है। तो डील क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो कमज़ोर है। तो कमज़ोरी यहाँ से आ रही है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को आपको फेयरली डील करना है इस एग्ज़ाम के अंदर। और आप इस चीज़ को आप समझिए, अपने आप को सोचिए जो मैंने आपको बोला, ये प्रैक्टिकल बात है बहुत, ऐसे आपको समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। ये नंबर है, यहाँ पे कॉल करके आप स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव कोर्सेज को मंगवा सकते हो। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवेज की, एसएससी की, बैंक की, किसी की भी कर रहे हो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक कोर्सेज। और ये कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे मिले थे पेपर में। अब एडिटोरियल्स की बात करते हैं। देखिए, आज एक एडिटोरियल आया है, थिंक यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का इशू बहुत टाइम से चल रहा है, इसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे में भी बात की गई थी, लेकिन फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाया था, अभी तक ये वर्क में नहीं आ पाया है। नेक्स्ट जो है, पूरी दुनिया में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की जा रही है, और
अभी रिसेंटली जो है पॉलिटिकल पार्टीज ने सारे क्लेम्स उठा लिए हैं इसके लिए, और अभी रिसेंटली ये बात काफ़ी फिर से उठने लग गई है, ठीक है। ऑपोजिशन लीडर ने भी इसकी बात उठा दी है, तो ये एक अच्छा प्रॉमिस जो है वो सामने आ रहा है निकल के। लेकिन बात यह कि किस तरह से फिजिबल होगा, कैसे होगा, ये कोई सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सबको पैसे दे देना, तो ये कोई सिंपल बात नहीं है। इसको कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि दुनिया में रिच लोग भी हैं, दुनिया में पुअर भी हैं, दुनिया में बिलो पुअर टी लाइन वाले लोग भी हैं, तो हर तरह के लोग हैं, और सबको एक बराबर इनकम दे देना, तो ये इकोनॉमिकली किस तरह से वायबल होगा, इतना वाइज डिसीजन होगा, तो ये देखने वाली बात है। अब इसमें जैसे देखिए कह रहे हैं कि जैसे ये सब मानते हैं कि इंडिया की जीडीपी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, ये बहुत फास्ट जा रही है, बिल्कुल सही बात है। ये अलग बात है कि कौन सी गवर्नमेंट के टाइम पे ज्यादा स्पीड से बढ़ी है, कौन सी टाइम पे नहीं बढ़ी है, वो एक अलग इशू है, ठीक है। आगे बात यह है कि ये लेकिन एक डाउट किसी को भी नहीं है कि इंडिया को बहुत कुछ करने की जरूरत है, ठीक है। देखिए एक सिंपल सा एक समझने के लिए क्या होता है, चाहे देश को समझना हो, चाहे इकोनॉमी को, चाहे अपने घर को, देखिए कोई भी घर होता है उसके अंदर मान लीजिए कुछ लोग रहते हैं, चार पांच लोग रहते हैं, पांच छह लोग रहते हैं, उनमें दो तीन की खूब अच्छी ग्रोथ हो रही है, बहुत कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक है वो बहुत ही गरीब है और वो बिल्कुल परेशानी में है, जो है बीमारियां उसको घेरे रखती हैं और उसकी फैमिली जो है बहुत ही कमजोर है, तो उसको जब भी वो फैमिली मेंबर्स देखेंगे तो उनको अपनी खुशी फिर कहीं ना कहीं उसको भूल जाएंगे, क्योंकि वो उसका पेन जो होता है वो फील होता है। ऐसी स्थिति हमारे देश की भी है, चाहे हमारे देश में अमीर लोग कितने भी राइज कर रहे हो, कितने भी उनका नंबर बढ़ गया हो, लेकिन जब तक लोग रोड पे भूखे मर रहे हैं और वो अगर बिल्कुल ही कमजोर है, उनका कोई रास्ता नहीं है, तो फिर हमारी खुशी भी कहीं ना कहीं जो है वो कमजोर पड़ जाती है। तो हमारी खुशी मेंटेन रहे, हमारी खुशी लंबे टाइम तक चलती रहे, सस्टेनेबल रहे, उसके लिए हमें यह करना होगा कि कम से कम देश के अंदर कोई भी ऐसे ना हो कि भूख से मर रहा है, और या फिर कोई बिल्कुल हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं इसलिए वो जो है वो बिल्कुल लास्ट पायदान पे चला गया, या फिर मर गया, या फिर सुसाइड कर रहा है। किसानों की बात करें, फार्मर्स की बात करें, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों की बात करें, इन सब के रिगार्डिंग एक सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, एक टूल ऐसा होना चाहिए कि कम से कम इतना ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन, इतना ज़्यादा परेशानी में नहीं रहे। चाहे आपको खुशी नहीं मिल रही ज़्यादा, आप एवरेज लाइफ ही जी रहे हो, लेकिन कम से कम इस तरह के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए जहाँ पर कोई सुसाइड कर रहा है गरीबी और भुखमरी की वजह से। तो इसके लिए ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो फंडा है यूपीआई का, ये फंडा एक सॉल्यूशन माना जाता है उसका, ठीक है। अब ऐसे में जो बेनिफिट है इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के, वो अगर ट्रिकल डाउन नहीं होते हैं, मतलब सबसे गरीब के तक घर तक नहीं पहुंचते हैं, तो फिर इस ग्रोथ का मतलब थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, वो इतना एक्सेप्टेड नहीं होता है, और यही इश्यू सबसे बड़ा आता है इनइक्वालिटी का। अब इनइक्वालिटी जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जहाँ पर दुनिया के सबसे अमीर लोगों भी इंडिया में रहते हैं और दुनिया में सबसे गरीब जो है सहारा जैसी जो नेशंस हैं, अफ्रीका के सहारा नेशंस डेजर्ट वाले, वहाँ से भी ज़्यादा गरीबी इंडिया में अगर देखी जाएगी, तो फिर ये जो हमारी इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है कि हमारा देश ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। स्टील के देखिए, हम कल ही जो है सबसे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए हैं, जापान को हमने सरपास कर लिया है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है। लेकिन ये फैक्ट हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात आती है तो कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं और उनके तीन सॉल्यूशंस हैं। एक तो ये मान लिया जाए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमी अपने आप चलती है, चलती रहेगी, गरीबी जो है वो भी अपने हिसाब से मैनेज होती है और लोग अपने अपने हिसाब से सब सेट हो जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, और लोग हर कोई अपना अपना सर्वाइवल देखता है। तो ये मान लेना एक तो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसको कोई डील करने की जरूरत नहीं है, तो एक तो ये सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये सोल्यूशन तो नेगेटिव सोल्यूशन हो गया और एक उदासीनता वाला सोल्यूशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन करना एक ये सोल्यूशन है कि सब जगह प्राइवेटाइज कर दो हर सेक्टर को, क्योंकि उसमें कंपटीशन होता है, करप्शन उसमें कम होता है, तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है। तीसरा यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो इसके बारे में ये आर्टिकल है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब देखिए प्राइवेटाइजेशन के अंदर तो सबसे बड़ा इशू ही यही है कि प्रॉफिट के ऊपर चलता है प्राइवेट सेक्टर, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो नहीं निभा पाएंगे, ये दुनिया में ये फैक्ट है, देखा गया है। लेकिन वो एफिशिएंसी की बात जहां की जाती है कि गवर्नमेंट कितना कुछ कर सकती है, कितना एफिशिएंटली वो कर सकती है, वहां दिक्कत आती है, वहां प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट दिखता है कि उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, उसका वर्किंग और आउटपुट जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है ग्राउंड स्टिल टू बी कवर्ड, क्या क्या करना चाहिए हमें, क्या जरूरी है। देखिए स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं, हमारे जो डेटा जो पेश किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो अधिकतर केस में क्या होते हैं, ऑफिशियल डेटा जो होते हैं वो रियलिटीज़ को नहीं दर्शाते हैं। और प्रेजेंट में ये देखा गया है कि स्टैटिस्टिशियन जो है इसी चीज़ में बिल्कुल पूरा इन्वॉल्व है कि कैसे भी ग्रोथ दिखा दी जाए,
तो बहुत ग्रोथ दिख रही है हमारे जो इसको बोलते हैं कि प्राइस इंडेक्सेस जो हैं उनके अंदर, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि कोई महंगाई नहीं है, बिल्कुल इन्फ्लेशन नहीं है। दूसरा हमारा जीडीपी के जो डेटा है उसके अंदर भी बिल्कुल अच्छी ग्रोथ दिखाई जा रही है। फॉरकास्ट जो आते हैं वो भी अच्छा जो है ग्रोथ बता रहे हैं, चाइना वगैरह से सब कंट्री से हमारा अच्छा बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत सारी समस्याएं दिखती हैं और वो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो गैप है वो पहुंच नहीं पा रहा है उन तक, या फिर डेटा सही नहीं है, दो चीज़ें हो सकती हैं। अब ऐसे में जिसको बोलते हैं कि परसिस्टेंट इनफॉर्मेलिटी है और स्मॉल स्केल ऑफ एंटरप्राइजेस दैट आर प्रोवाइडिंग मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। देखिए ये क्या इशू है कि प्राइवेटाइजेशन की अगर बात करें तो सबसे बड़ा इशू होता है कि जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, जो बिगर एंटरप्राइजेज हैं, बिगर कॉरपोरेट हाउसेज जो हैं, वो तो काफ़ी अच्छा मतलब ग्रोथ कर लेते हैं, उनके फेवर में सब रहता है, इकोनॉमी भी उनके फेवर में रहती है, पॉलिटिशियंस वगैरह सब रूल्स पॉलिसीज उनके अकॉर्डिंग ही चलता है। लेकिन जो छोटे एम्प्लॉयर होते हैं, छोटे जो हाउसेज होते हैं, वो ज़्यादा बड़े एम्प्लॉयमेंट देते हैं और उनके ज़्यादा फेवर में नहीं रहती हैं पॉलिसीज वगैरह, तो ये भी एक दिक्कत प्राइवेट सेक्टर में आ जाती है, ये पॉइंट भी रहता है। ठीक है कि ये कैटेगराइजेशन है बिगर हाउसेस, बिगर एंटरप्राइजेस और स्मॉलर एंटरप्राइजेस, इसका भी इशू रहता है, तो इसलिए भी प्राइवेट सेक्टर जो है एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता है। दूसरी बात जो है, जैसे यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन थे, बहुत प्रैक्टिकल इंसान माने जाते थे, उन्होंने ये बोला था कि गवर्नमेंट कोई सोल्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट खुद ही एक प्रॉब्लम है। तो ये एक प्राइवेटाइजेशन के फेवर में एक आर्ग्यूमेंट हो गया कि गवर्नमेंट खुद ही एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पाती है बहुत सारे इश्यूज के अंदर, और जब कंट्री बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इंडिया ऐसी डाइवर्स कंट्री है, वहां पर तो गवर्नमेंट फिर सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर और पॉपुलिस्ट प्रेशर से ही काम करती है, तो वहां पर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इकोनॉमी का जो होते हैं वो नहीं दे पाती है 100% तरीके से। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो अच्छा काम कर सकता है, लेकिन बट अ बिग बट इज हियर कि प्राइवेट सेक्टर स्ट्रक्चरली डिजाइंड नहीं होता है अफोर्डेबल पब्लिक सर्विस देने के लिए। जैसे मैंने बताया वो सिर्फ प्रॉफिट पे ही काम करता है, प्रॉफिट उसका एजेंडा होता है, तो इसीलिए ही हमें मैंडेटरीली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ती हैं उनको कि आपके प्रॉफिट में से आपको मैंडेटरीली जरूरी आपको खर्चा करना पड़ेगा सोशल सर्विस के ऊपर, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पॉवर्टी हो, वीकर सेक्शन हो, उनके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह के अंदर कोई शेयर देना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी होगी आपकी, तो ये लाना पड़ता है। वो खुद से नहीं करना चाहते हैं, न वो खुद से टैक्स पे करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, न वो खुद से कोई मतलब बिना प्रॉफिट के कोई सोशल सर्विस दे सकते हैं, बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो फिलैंथ्रोपिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करें बिल एंड मेलिंडा गेट्स हैं, उतने कितने लोग हैं दुनिया के अंदर, कितने जो हैं वो फर्म जो अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा जो है वो फिलैंथ्रोपी में दे रहे हैं, तो ये मानी हुई बात है। अब हम तो इसको रियलिटी मानेंगे कि वो फिलैंथ्रोपी कर रहे हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल्स कम होते हैं, ये दिक्कत है। अब दूसरी बात यह है कि जैसे मिल्टन फ्रीडमैन जो है उनका बहुत बार इनको कोट किया जाता है, बहुत ज़्यादा इनका एग्जाम्पल दिया जाता है, वो क्या बोलते थे कि बिजनेस ऑफ बिजनेस मस्ट बी ओनली बिजनेस। वो ये कहते थे कि बिजनेस बिजनेस होता है, वो कभी सिटीजन्स को सब्सिडाइज नहीं कर सकता है, वो कोई सर्विस नहीं दे सकता है, बिजनेस अपने खुद के लिए होता है, अपने फायदे के लिए होता है, और बिजनेस जस्ट जब फायदे के लिए होगा तभी वो बिजनेस कहलाएगा, वरना वो सोशल सर्विस बन जाएगा और वो फेल हो जाएगा। तो बिजनेस को बिजनेस ही रहने दीजिए। ठीक है, तो रेस थ्री वाला डायलॉग है ना आपका, बिजनेस 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 वाला, तो ये बिजनेस जो है वो बिजनेस के लिए ही होता है, उसी के प्रिंसिपल पे ही चलता है। ठीक है, तो उसमें हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो सोशल सर्विस जो होता है वो बिजनेस निभाएगा, ये हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ये मिल्टन फ्रीडमैन ने बोला था। तो ये बात सही दिखती है प्रैक्टिकल सेंस में, बिल्कुल सही दिखता है कि हमेशा प्रॉफिट की बात होती है, और जहां पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है वहां पर भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं टैक्स बचाने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूपहोल का फायदा उठा लिया जाता है, जहां पर वो भी जो है उनके फायदे में काम करता है, तो ये एक बड़ा इशू देखा जाता है। दूसरा कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए डायरेक्ट, इसमें क्या है कि बेसिक इनकम का जो इशू है, देखिए जो दुनिया में इनइक्वालिटीज राइज कर रही हैं, मैंने आपको एक इशू बताया था कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चल रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज का, जैसे कि अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, इंटेल है, ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट इसमें कर रही हैं और इनके पास इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है कि ये पूरी दुनिया के अंदर क्रांति ला देंगे, मतलब सारा कुछ इनके पास ही आ जाएगा, जो प्रोडक्शन होगा दुनिया के अंदर, जैसे 3D प्रिंटिंग है मान लीजिए, और रोबोटिक्स प्रिंटिंग है, जो रोबोटिक्स है वो काम करते हैं, तो ये सारा जब इनके पास आ जाएगा तो इनको वर्कर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से हो जाएगा, तो इनको बस सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट दुनिया के अंदर, और इतनी बड़ी इनइक्वालिटी आ जाएगी कि दुनिया की जैसे मतलब ये एक शॉकिंग वो है रिपोर्ट की
मोर देन 75% जो वेल्थ है दुनिया की वो 1% लोगों के पास आ जाएगी, और बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इंडिया में भी रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड में भी चल रहा है, तो बहुत कुछ ही दशकों में 75% से ऊपर इनके पास चली जाएगी। तो दुनिया में सिर्फ दो क्लास बन जाएंगी, एक तो ये ओवर रिच क्लास, एक जो थोड़ा बहुत इनके लिए काम करते हैं, इनको इनके लिए जो मीडिया होता है सब कुछ वो होता है, वो थोड़ा सा एक मिडिल क्लास बहुत ही छोटा होगा, और अधिकतर जो लोग होंगे वो हो जाएंगे पुअर सेक्शन, जो बिल्कुल ही हैंड टू माउथ हो रहे हैं और बिल्कुल वर्कर्स वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ऐसे में होगा क्या, ये इनइक्वालिटी अगर इतनी बढ़ जाएगी तो दुनिया में फिर ये जो बेच रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, ये खरीदेगा कौन? खरीदने वाले नहीं बचेंगे। 1930 के अंदर, 1929 के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वो क्या हुआ था, अमेरिका ने इतना ग्रोथ कर ली और सब लोग वहां पर जो है वो प्रोडक्शन करने वाले बन गए, सबने बिजनेस खोल लिए, सबने अपने अपने जैसे मान लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग के कारखाने खोल लिए, सभी बेचने वाले बन गए, सारे दुकान खोल के बैठ गए, अब खरीदने कौन आएगा? तो वो आपस में जितना कोई खरीद सकते थे वो तो खरीद लिया, बाकी कोई खरीदने वाला नहीं बचा, बाकी सब लोग गरीब हो गए, जो बचे वो उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था। अब जब इतना टफ कॉम्पिटिशन हो जाएगा तो वो फर्म्स भी ज़्यादा कमा नहीं पाएंगी जो बेच रही हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा नहीं रख पाएंगी, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा नहीं रख पाएंगी तो फिर क्या होगा, उनके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं जो उनके पास जेब में पैसा नहीं है वो खरीद नहीं पाएंगे, तो फिर कोई खरीदने वाला ही नहीं बचा, सब बेचने वाले बन गए, तो आया ग्रेट डिप्रेशन और वो विशेष साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप ही। फिर ये धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच गए, कोई मतलब ग्रोथ ही नहीं बची, मार्केट पूरा डिप्रेस हो गया। तो ये स्थिति आगे फिर से आएगी जब इनइक्वालिटी इतनी बढ़ जाएगी, इस लेवल पे आ जाएगी, तो ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और ये जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज, और ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां, ये खुद इसको पुश कर रही हैं। इनको पता है कि दुनिया ऐसे ही जाने वाली है, क्योंकि हम मोबाइल यूज़ करना बंद नहीं करेंगे, हम जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बंद नहीं करेंगे, इसलिए दुनिया इसी तरफ ही बढ़ेगी, और इनको पता है कि दुनिया क्या होने वाली है, इसलिए खुद कह रहे हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम आनी चाहिए। इनका बहुत स्मार्ट मूव है कि ये आएगी तभी सबके पास कुछ पैसा होगा और हमारा माल बिकेगा, वरना फिर बिकेगा कैसे? तो ये इनके फायदे की ही बात है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इसलिए भी ये इशू उठ रहा है। लेकिन राइटर का जो इशू है इस आर्टिकल के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि ये जो सिल्वर बुलेट सॉल्यूशन आया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, ये सॉल्यूशन नहीं है। और वैसे भी देखा जाए, मान लीजिए इंडिया में सबको आपने 1200 रुपए दे दिए महीना के, अब सबके पास जब पैसे आ गए तो फिर का फायदा क्या हुआ? कुछ लोगों के पास आएंगे तब उनकी लाइफ में चेंज आएगा, सबके पास 1200 आ गए तो फिर तो स्थिति वैसे की वैसी रह गई, तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा बात, हो सकता है कि जैसे खाने वाने के अंदर इन्फ्लेशन ना हो और फूड आइटम्स के अंदर, और वो पेट भर जाए कम से कम उनका, तो वो स्थिति ना हो कि कोई भूख से मर रहा है, तो वहां ये काम कर सकती है। लेकिन इन दी एंड होगा क्या कि वो तो फिर सिर्फ खाने के लिए जिएंगे और फिर वो मेहनत भी नहीं करेंगे अधिकतर लोग, और फिर जो अमीर जो लोग हैं, रिच क्लास जो लोग हैं, वो और रिच हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे आज वाला सिस्टम फिर से आ जाएगा कि वो मैनिपुलेट करेंगे सिस्टम को और अपने हिसाब से पॉलिसीज को भी मैनिपुलेट करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो है अपना और ज्यादा प्रॉफिट को कमाना चाहेंगे और ज्यादा रिच होना चाहेंगे। और ऐसे करते करते फिर वही चीज आ जाएगी दोबारा से जो आज चल रहा है, कि रिच रिच होता जा रहा है और पुअर बस एक स्टैग्नेंट कंडीशन के ऊपर है। बस हाँ, इतना होगा कि वो भूख से नहीं मरेगा, लेकिन वो भी थोड़े टाइम के लिए है, थोड़े टाइम बाद वो भी स्थिति खतरे में पड़ सकती है। तो ये इसका इश्यू है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो ये एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का फंडा है, ये एक क्वेश्चन को तो सॉल्व करता है कि जो पॉलिटिकल एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। तो इसमें सबको जब दिया जाएगा तो क्वेश्चन नहीं उठेगा और किसी को जेलेसी फैक्टर में नहीं होगा कि मुझे उस कैटेगरी में नहीं काउंट किया गया, मैं उस बीपीएल कैटेगरी में क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया, तो वो सिचुएशन तो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये जो है, जो पीपल को कैश दे दिया और फिर जो उनको चाहिए वो अपने आप खरीद लेंगे, ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड एक अमाउंट होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप सबके अकाउंट में 1500000 रुपये पहुंचा सकते हैं, वो तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो नहीं सकता, वो तो बस एक जोक हो सकता है। लेकिन जो ये इनकम जो बेसिक जाएगी, बिल्कुल बेसिक, इससे कितना ज़्यादा हम खरीद पाएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है। बेसिक इनकम से कोई मार्केट की वो चीज़ें थोड़ी खरीद सकता जो बहुत ही मतलब रिच होंगी, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी, वो तो आइटम खरीद नहीं सकते हैं, तो फिर वही दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, और फिर सबके सब जब पैसे मिल रहे हैं, अमीर को भी 1200 रुपये मिल रहे हैं, गरीब को भी मिल रहे हैं, तो फिर वो चीज़ कैंसिल आउट हो जाती है, उसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है। अभी हाउएवर, इफ द कैश विल नॉट प्रोवाइड सिटीजंस विद गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन एंड हेल्थ, तो गुड क्वालिटी एजुकेशन हेल्थ नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि वो महंगी हो जाएगी। मान लीजिए उसकी धीरे धीरे जैसे इन्फ्लेशन हर चीज़ में राइज करता है वो बढ़ जाएगी, यूनिवर्सल इनकम उस हिसाब से राइज कर नहीं पाएगी, तो एजुकेशन हेल्थ और जो ये बेसिक जो चीज़ें होती है अमेनिटीज़, वो अमेनिटीज़ के तौर पर नहीं मिल पाएगी।
तो फिर वही सरकार को उनको हेल्प देनी पड़ेगी, सपोर्ट देना पड़ेगा। तो इसके बजाय हमें एक तरीका फॉलो करना चाहिए, वो क्या, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में होता है कि हेल्थ एजुकेशन और ये जो सोशल सेक्टर जो होता है वो सरकार प्रोवाइड करे, स्टेट इसमें स्टेप उठाए, स्टेट का काम होना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर इसको करेगा नहीं, प्राइवेट सेक्टर करेगा नहीं, स्टेट ही उठाए। और ये चीज़ें फ्री होनी चाहिए सबके लिए, जैसे पानी होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए, बिजली ये सब फ्री होना चाहिए। हाँ, वो अलग चीज़ है कि उसके ऊपर आप चेक रखो कि कोई मिसयूज़ कर रहा है, उसके ऊपर आप उसका मैनेजमेंट इस तरह से करो कि उसमें करप्शन नहीं हो और वो चेक में रहे, लेकिन ये दी जानी चाहिए फ्री, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, इन पर लाइफ डिपेंड करती है। अब अगर मान लीजिए हेल्थ इतनी महंगी हो जाएगी जो आज हो भी रखी है, तो गरीब मरेगा ही मरेगा। और एजुकेशन अगर महंगी हो जाएगी जो आज हो रखी है, और अगर सरकारी स्कूल नहीं हो तो फिर क्या होगा, 90% लोग तो नहीं पढ़ेंगे, ये बिल्कुल श्योर है, 10% ही पढ़ेंगे, तो वो बात फिर से वहीं आ जाएगी। तो इसमें ये है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बजाय ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ है ये स्टेट को देनी चाहिए, और खूब प्रमोट करना चाहिए स्टेट को ही इनको, ठीक है, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। दूसरा जो एक क्वाज़ी यूनिवर्सल बेसिक रूरल इनकम का एक इशू आया था, कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये प्रपोज किया था, उन्होंने ये बोला था कि बेसिक रूरल इनकम होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ भी ये दिक्कत है कि ये तो ठीक है कि रूरल एरियाज में लोग ज़्यादा गरीब होते हैं तो उनको मिल जाएगा सपोर्ट, और उससे फिर ये है कि सब वो जो कैंसिल भी नहीं होगा कि सबको आपने दे दिया तो बराबर बात होगी, वो भी नहीं रहेगा, कुछ लोगों को ही जाएगा, गरीब लोगों को ही जाएगा, तो वो उनकी लिफ्ट हो जाएगी, अपलिफ्टमेंट हो जाएगा लाइफ का। लेकिन जो अर्बन पुअर है उनका क्या, वो इसमें कवर नहीं होंगे, उनकी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो भी बहुत बड़े नंबर में है, क्योंकि अर्बनाइजेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा पॉपुलेशन तो अब अर्बन एरियाज में रहने वाली है, तो वो पॉपुलेशन का क्या होगा, ये बड़ी दिक्कत है। दूसरा, जो वेजेस हैं वो अनसर्टेन होते हैं अर्बन पुअर्स के लिए भी, जो छोटी छोटी मिलों में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनकी बड़ी दिक्कत है, और वहाँ भी वही सेम इशू है जैसा मैंने बताया कि जो बिगर कॉर्पोरेट हाउसेस के अंदर काम कर रहे हैं या बड़े एंटरप्राइजेस के अंदर काम कर रहे हैं उनको तो ठीक है, एम्प्लॉइज को इशू नहीं है, लेकिन अधिकतर तो स्मॉल एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनके साथ इश्यूज हैं वो सारे, वो नहीं दे पाते ज़्यादा उनको पैसे, तो अर्बन पुअर की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी इसमें। दूसरी जो है, अब इसमें सबसे बड़ा इशू खड़ा होता है कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी इफेक्टिव नहीं लग रही है, तो ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी पब्लिक सर्विस फॉर पीपल टू बाय, कि लोग उसको खरीद पाएं, ये कैसे पॉसिबल हो। तो इसमें एक ये सॉल्यूशन ये दे रहे हैं कि फंडामेंटल क्वेश्चन यूबीआई सॉल्व नहीं करेगा, हमें जाना पड़ेगा यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल की तरफ, कि हमें इनकम ना देके हमें कैपिटल देना पड़ेगा। कैपिटल क्या होता है, कि कैपिटल वो चीज होती है जहां इन्वेस्टमेंट होता है, तो हमें फ्यूचर में अर्निंग्स होती हैं फ्यूचर के अंदर। जैसे आप मान लीजिए कि एक ऑटो के ऊपर आपने पैसे लगाए, तो एक बार आपने ऑटो पे पैसे लगाए, एक बार आपको खर्चा लगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन बाद में आप उसको चलाओगे तो आपकी उससे कमाई होगी, तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसे ही मान लीजिए इनकम ना देने के बजाय, इनकम तो क्या करती है, इनकम तो एंग्जाइटी बढ़ाती है, इनकम आ गई खत्म हो गई फिर नई इनकम का इंतजार करेंगे लोग, लेकिन कैपिटल अगर उनको मिलेगी तो उससे आगे फ्यूचर में इनकम सोर्स जो है वो परमानेंट होता है। तो इनकम की बजाय कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि स्टेट जो है बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड करवाए, ठीक है। अब इसमें अनअवॉइडेबल सॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बनाई गई हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, और उनमें सर्विस डिलीवरी को इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, और जो है प्राइवेट सेक्टर का इसमें हेल्प लिया जा सकता है कि वो जो डिलीवरी है वो चेक में रहे और कॉम्पिटिशन मार्केट में फेयर रहे। तो उसमें दोनों कोलैबोरेशन में काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो वही मॉडल है जो मार्केट और स्टेट और मार्केट का मिक्स जो होता है वैसा फॉलो यहां भी करना पड़ेगा। दूसरा जो है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज, ये होने ही पड़ेंगे, इनकी जरूरत हमें पड़ेगी, हमें ज्यादा बेटर इकोनॉमिस्ट की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी इनके। फिर अगर हम इसमें इस तरफ जाएंगे कि यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल की तरफ जाएंगे तो हमें स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की और पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी, विल पावर की जरूरत पड़ेगी, हमें बेटर इकोनॉमिस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि ये फंडा सिंपल है, इसमें बहुत डिस्कशन हो चुका है, इकोनॉमिस्ट ने बहुत रिकमेंडेशन दे चुके हैं, ठीक है। तो उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है हमको, हमको ये जरूरत है। और इसके अंदर सबसे बड़ा इशू क्या है, एथिक्स का और करप्शन इश्यूज का, जो कि इनको सॉल्व करने की जरूरत है। तो बात घूम के वहीं आ जाती है कि करप्शन नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए और पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। तो पहली चीज़ ये हमें सुधारनी ही पड़ेगी, पॉलिटिकल करप्शन ये सारा जो नेक्सस है इसको खत्म करना पड़ेगा, वरना ये भी फंडा फेलियर ही साबित होने वाला है, ठीक है। दूसरा जो है इसके अंदर ये था कि जब मतलब जो इनइक्वालिटी का इशू फिर से डिस्कस जब करते हैं,
तो अगर यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल दी जाती है तो उसमें ये होता है, कुछ कंपनीज ने एक स्टार्ट किया था या फिर कुछ देशों के अंदर ऐसे स्टार्ट किया था कि डिविडेंड दिया जाएगा नॉर्मल लोगों को। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे ये कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेस करती हैं कि जिसके अंदर कोई शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं कंपनीज के, तो बहुत सारा पैसा पब्लिक से आता है, तो वो जब उसको कंपनी को फायदा होता है तो वो डिविडेंड पहुंचाते हैं अपने अपने स्टेक होल्डर्स के पास में। तो वो जो तरीका है वो पब्लिक के साथ लागू होना चाहिए एक तो, क्योंकि जब रिच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये इनइक्वालिटी राइज करेगी, ठीक है, तो फिर इनका जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका कुछ डिविडेंड पब्लिक को जाना चाहिए, तो ये डिविडेंड पब्लिक तक पहुंचे, एक ये इसका तरीका है, वो एक यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल की तरह काम करेगा, ठीक है। ये इनकम नहीं होगी, कैपिटल होगा, क्योंकि इनका प्रॉफिट राइज कर रहा है तो इनके पास डिविडेंड आ रहा है, तो इनका प्रॉफिट तो राइज करेगा, ये तो काम ही उसके लिए कर रहे हैं, तो ये इनके पास डिविडेंड आना चाहिए। ये इन लोगों के भी फेवर में ही है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम को जब पुश कर सकते हैं तो इसको भी उनको पुश करना चाहिए, क्योंकि बेसिक इनकम तो सही सोल्यूशन नहीं देगा, लेकिन ये तरीका जो है डिविडेंड वाला, ये काम कर सकता है अच्छा। और फिर इनके पास कैपेसिटी भी बढ़ेगी इन पुअर लोगों के पास में, ताकि ये इन रिच क्लास का सामान खरीदेंगे बाद में, जो बाद में बहुत रिच होने वाले हैं, उनको सिर्फ सेल करने की जरूरत है, तो इनका वो माल खरीद पाएंगे क्योंकि इनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, बिना कैपेसिटी को तो कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे, तो फिर इनकी रिचनेस कितने दिनों तक मेंटेन रहेगी, तो ये इश्यू है। और इससे जो है प्रोग्रेस भी इक्वलाइज होगी और कैपेसिटी बेस्ड भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है, तो ये इस आर्टिकल में बताया गया है। तो वही सारे इशूज हैं जो मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं, और इन पीडीएफ्स को आप पढ़ सकते हो, ये पॉइंट जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं आपकी हेल्प के लिए हैं, जब आप इनको पढ़ोगे मेरा लेक्चर सुनने के बाद में, तो आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और एक और इशूज इन्होंने बताया है कि सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के अंदर बहुत सारे जो रिपोर्ट्स हैं, जिसके अंदर एथिक्स का भी इशू है और बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की बात है, उनको अगर हम लागू करेंगे तो वैसे ही बहुत फायदा होने वाला है, और ये स्टेट के सारे गोल्स अचीव हो सकते हैं इसके अगर रिकमेंडेशन को माना गया तो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम पढ़ते भी हैं यूपीएससी के अंदर। दूसरा जो है मिडिल लेवल इंस्टीट्यूशंस की एक इशू जो मैंने बताया, स्मॉल एंटरप्राइजेस का, जिनके फेवर में नहीं रहता सिस्टम, तो उनको सॉल्व करने का इशू है। उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा कि उनको मतलब इंटीग्रेट कर दिया जाए, उनको बहुत सारों को एक साथ मिला के बड़े उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए बहुत सारी छोटी छोटी एंटरप्राइजेज हैं, 100 है, मान लीजिए 100 को एक मिला दिया जाए, एक बड़ा एक एंटरप्राइज खड़ा कर दिया जाए उनको एग्रीगेट करके, तो फिर ये एग्रीगेशन जो है वो फायदा करेगा, फिर इनको भी बड़ी जो एंटरप्राइज होती है उनकी तरह फायदा होने लग जाएगा, सेम उनकी तरह। क्योंकि आज जैसे बड़ा कंपनी रिलायंस है, अमेजन है, इनको फायदा होता है, फ्लिपकार्ट को फायदा होता है, लेकिन छोटे छोटे जो है उनको फायदा नहीं हो पाता है। वही वाली बात है जैसे खेत की बात है, छोटे खेत में प्रोडक्शन कम होता है, बड़े खेत में कमर्शियल खेती हो सकती है, तो बड़े एंटरप्राइज को फायदा हो सकता है, तो और फिर वो इनइक्वालिटी भी नहीं रहेगी मार्केट के अंदर भी, कि ये अपनी तरफ झुका लेते हैं मार्केट को, जो बड़े बड़े जो एंटरप्राइज होते हैं, ठीक है। और लास्ट में सारे तरह के सपोर्ट भी इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकते हैं, क्योंकि टू बिग टू फेल जब वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है तो इनको ज़्यादा फायदा होता है, इनको नहीं होता है, ये परेशानी में ही रहते हैं हमेशा। तो ये अगर एग्रीगेशन इनका होता है, मिलते हैं, तो ये एक इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है मार्केट के अंदर भी, तो ये दूसरा जो है रिकमेंडेशन ये है। तीसरा ये है क्रिएटिविटी ऑफ इकोनॉमिस्ट, ये बेटर होनी चाहिए, कि जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बजाय यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल के मेजर्स को एक्सप्लोर करें, ये एक सबसे परफेक्ट सोल्यूशन होगा, और वो डिविडेंड वाला जो इशू है वो इसमें ही है। जैसे अमूल है, ये ग्रुप है, कोऑपरेटिव, सेवा, ग्रामीण, इन लोगों ने ये दिखाया भी है एक रास्ता, ये डिविडेंड वाला, इस तरह से ये काम कर सकता है यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल का इशू, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव अप्रोच है, ये काम करने वाली है, ठीक है। ये सारा था इस आर्टिकल में, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही था आज का, बाकी हम देखते हैं जल्दी जल्दी। गांधी और सोक्रेटिक आर्ट ऑफ डाइंग, आज गांधी जी की 71st एनिवर्सरी है गांधी की डेथ की, तो वो सब लोग मना रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमें सीखना क्या उनकी लाइफ से, सीखना यही है इसमें, एक ही बात की बात की गई है कि डेथ जो होती है, इंसान का जो एंड होता है, सब कुछ इंसान जिंदगी में ही करता है, जो भी एक्सप्रेशन रखता है, सोचता है, सपने लेता है, कुछ भी पूरे करता है, कोई वैल्यूज पर जीता है, सब कुछ लाइफ में ही होता है, तो लाइफ को एंड करना कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता। इसलिए बोलते हैं कि सुसाइड करना सबसे कावर्ड एक तरीका है, सबसे कमजोर तरीका है, क्योंकि लाइफ रहेगी तो सब कुछ होगा, तो कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई चीज हमें नहीं मिली तो हमें मर जाना चाहिए। तो इसके अंदर भी एक नया एंगल गांधी जी ने यह दिया कि एक तो होता है सिंपल डेथ, एक होता है सैक्रिफाइस। इन्होंने डेथ को एक सैक्रिफाइस बना दिया। इन्होंने ये बोला कि सोक्रेट जो थे, सोक्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, उनकी लाइफ से बहुत इंस्पायर थे गांधी जी। वो ये बोलते थे
कि कभी भी ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना चाहिए और एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए लाइफ में, क्योंकि सोक्रेट्स की पूरी लाइफ एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ही थी। वो ये कहते थे कि बिना एक्सपेरिमेंट वाली लाइफ बिल्कुल वेस्ट है, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तो गांधी जी ने भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इन्होंने लिखी थी, बुक लिखी थी पूरा इसके ऊपर। तो इन्होंने ये समझा लाइफ में कि डेथ जो होती है वो एक सोशल सॉलिडैरिटी भी एक बन सकती है, क्योंकि जब गांधी जी को मारा गया था तो उससे पहले ये कहते कि गांधी जी के बारे में कि गांधी जी जैसा कोई इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसने अपनी डेथ के रिगार्डिंग इतना ओपनली बात की थी। बार बार वो कई बार बात करते थे अपनी डेथ के बारे में। साउथ अफ्रीका में भी जब वो थे तब भी वो ये कहते थे कि अगर मैं मर जाऊँ, जैसे उन्होंने लेटर लिखा था कि आई मे हैव टू मीट डेथ इन साउथ अफ्रीका, अपने भतीजे को लिखा था, एट द हैंड्स ऑफ माई कंट्रीमैन, इफ दैट हैपन्स यू शुड रिजॉइस, इट विल यूनाइट द हिंदूज एंड मुसलमान। तो वो अपनी डेथ को भी एक टूल की तरह यूज करना चाहते थे कि सब लोग यूनाइट हो जाएं उससे। और वैसा हुआ भी, जब उनकी डेथ हुई 1948 के अंदर तो उसके बाद देश यूनाइट भी हुआ था। और आपको याद होगा कि जब पार्टीशन हो रहा था तब भी वो वहां जाके बैठ गए थे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंडिया में, जहां पर पार्टीशन हो रहा था, लोग एक दूसरे को मार रहे थे कि आपको मारना है मुझे मारो, लेकिन आपस में मत लड़ो। और उनको बिल्कुल भी खुशी नहीं होती जब यह देश आजाद हुआ था, मतलब ये अलग अलग जो हो गए थे, सेपरेशन से उनको ज्यादा पेन था, तो खुशी से बड़ा उनको पेन था। तो वो डेथ को कभी भी मतलब उससे डरते नहीं थे, वो ये चाहते थे कि ये भी एक सेक्रीफाइस का टूल बने। और इंसान को हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि अगर वो अपनी वैल्यूज के ऊपर जी रहा है, अगर वो सच्चाई के रास्ते पे है, तो कभी भी उसको ये सेक्रीफाइस देने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि डेथ एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। और आप कोई भी चीज को एक स्केल हो सकता है डेथ किसी की चीज के लिए, कि जहां पर आप कोई चीज को सही बताना चाहते हो, कोई चीज को वैल्यू को अपहेल्ड करना चाहते हो, तो एक डेथ एक सबसे बड़ा एविडेंस हो सकता है कि हाँ मैं इसके लिए मरने के लिए तैयार हूं। तो ये चीज एक एविडेंस देती है कि मेरा रास्ता गलत नहीं है, चाहे मुझे मार दीजिए लेकिन मैं इस वैल्यूज से नहीं हटूंगा, तो सत्य के रास्ते से नहीं हटूंगा, अहिंसा के रास्ते से नहीं हटूंगा। इसलिए उन्होंने लाठी भी खाई, इसीलिए वो एक जगह बैठे भी रहते थे। अब उनका तरीका बहुत स्मार्ट भी था और सस्टेनेबल भी था, वो कोई ऐसे ये नहीं था कि जोश आ गया और फिर जाके मर गए, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। यही चीज भगत सिंह ने भी रिकॉग्नाइज की थी एंड टाइम पर, उन्होंने ये कहा था कि मेरा रास्ता थोड़ा सा इमेच्योर था, भगत सिंह ने चीज मानी थी और उन्होंने ये बोला था कि गांधी का रास्ता ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि अब तो मेरी डेथ हो गई, अब वो तो आराम से मेरे यही चाहते थे कि मैं मर जाऊं, अंग्रेज तो यही चाहते थे। तो मरना सोल्यूशन नहीं निकला, तो ये एक सोच समझ के एक तरीका होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से बड़ी प्रॉब्लम को डील करना चाहिए। और गांधी ने उस प्रॉब्लम को साइंटिफिक तरीके से डील किया, उसको पता था कि अंग्रेज जो है उनके पास आज रॉयल एयरफोर्स है, नेवी है, सब कुछ है, हथियार है, वो बहुत कम टाइम में इंडियंस को बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे, उनको आराम से टैकल कर सकते हैं और इंडियंस कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एडवांसमेंट नहीं है, हमारे पास साइंटिफिक रेवोल्यूशन ही नहीं आया था इंडिया में जो वहां पर आया था, तो उनके पास सब कुछ है आज, तो वो उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, उनसे लड़ेंगे तो हमारे नुकसान होगा। और जोश काम नहीं आता है, अंधा जोश काम नहीं आता है, सोच समझ के उठाया हुआ स्टेप ही काम आता है, तो जोश सही टाइम पे होना चाहिए। तो उन्होंने जोश दिखाया था 1942 के अंदर, जब उन्होंने ये बोला था कि डू और डाई, कि कोई रास्ता नहीं बचा है, या तो कुछ काम करो देश को आजाद करवाओ या फिर मर जाओ, क्योंकि मरना जो है वो एक टूल की तरह यूज करो, उससे घबराओ मत कभी भी, क्योंकि आप अपनी जब कोई रास्ता नहीं बच रहा है और कोई आपको एविडेंस देना पड़ जाता है अपने वैल्यूज के लिए, तो वो डेथ एक सेक्रीफाइस होता है, उससे डरना नहीं चाहिए। और जो सत्याग्रही है उसको कभी भी इस चीज के लिए डरना नहीं चाहिए, और वो हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि कभी भी उसको ये स्टेप उठाना पड़ सकता है कि मुझे लाइफ भी सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है। तो यहां पर डेथ को उन्होंने एक पॉजिटिव सेंस में एक्सप्लेन किया है एज अ सेक्रीफाइस, तो ये एक याद रखना। हालांकि इससे बहुत लोग जो है, मैं बोलूं कि मतलब सेक्रीफाइस या डेथ जो होता है वो उनका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जो इस बात को वो समझाना चाह रहे हैं, हो सकता है बहुत लोग इसको समझ ना पाए और वो फिर इसको नेगेटिव ले लें डेथ को, तो वो नेगेटिव नहीं लेना, ये एक पॉजिटिव एक टूल था कि मतलब डेथ जो है उसको टोटली नेगेटिव सेंस में हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ सबकी एंड होती है, और वो जो लाइफ जो एंड होती है तो वो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन वो किसी काम आए, बड़े काम आए, वो एक बड़ा इशू है, वो कोई एक एम के साथ खत्म होनी चाहिए। जैसे गांधी की लाइफ एम के साथ खत्म हुई, उनका लाइफ एक पूरा मैसेज था, वो ये बोलते थे कि मेरी लाइफ पूरी एक मैसेज है। और जब वो डेथ भी हुई तो वो चाहते थे कि सब लोग यूनाइट हो मेरी डेथ के कारण, तो ये एक उनका टूल था बहुत बड़ा, और इसके लिए वो सुपर पॉजिटिव इंसान थे। तो एथिकल डाइंग की उन्होंने बात की थी, एथिकल डाइंग होनी चाहिए, और ये एक लाइफ का एंड होना जो होता है वो ये होना चाहिए कि प्रिंसिपल्ड लीव टेकिंग फ्रॉम लाइफ, कि मैंने कोई लीव ली है लाइफ से और वो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, तो ये चीज है। और हमेशा उन्होंने अपनी डेथ के बारे में बात की थी, शुड आई लीव और डाई, टू बी और नॉट टू बी, ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन में वो हमेशा ही उलझे रहते थे, ठीक है।
और सेल्फ सेक्रीफाइस का फिर उन्होंने लास्ट में एक आइडिया निकाला कि सेल्फ सेक्रीफाइस इसका एक सही टर्म है जो हम डेथ को डिफाइन कर सकते हैं, सबसे पॉजिटिव तरीका है डेथ को डिफाइन करने का, ठीक है। तो ये डेथ नहीं है, सेल्फ सेक्रीफाइस है। तो यही सारा इस आर्टिकल में बोला गया है और इसमें कोई अलग से कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं। आप इसको पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा इंस्पिरेशनल है और वो उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड जो बातें हैं उसके बारे में बताया गया कि उन्होंने कैसे सोक्रेट्स को सोल्जर ऑफ टू ट्रूथ कहा था, क्योंकि सोक्रेट्स एक प्रैक्टिकल इंसान थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला था और उन्होंने इसके रिगार्डिंग भी उनको क्लैरिटी दी थी गांधी को कि डेथ का क्या लिंक हो सकता है नॉन वायलेंस का और आर्ट ऑफ डाइंग का। ये जो उन्होंने लिंक निकाला गांधी ने आर्ट ऑफ डाइंग और नॉन वायलेंस का, जैसे भूख हड़ताल में बैठते थे तो वो हो सकता था कि उनकी डेथ भी हो जाए, तो उन्होंने उसको टूल की तरह यूज किया था और वो आर्ट ऑफ डाइंग थी, वो एक पर्पसफुल एक मतलब सेक्रीफाइस था लाइफ का। तो वो हमें सीखना चाहिए, उसके लिए हमें इंस्पायर होना चाहिए। इसका मतलब हमें जो सीखना है वो ये है कि सेक्रीफाइस बड़ी चीज़ है और सेक्रीफाइस करना चाहिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए और हमेशा उसके साथ कुछ पर्पस जुड़ा हुआ होना चाहिए। यूं नहीं कि आपने सुसाइड कर ली और कोई थोड़े दिन बाद लोग उसको भूल गए, कोई पता ही नहीं और आपको थोड़े दिन बाद ये बोलने लगे कि वो तो गया और वो तो बेवकूफ था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और इसके लिए हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि लाइफ वैल्यूएबल है, तो वैल्यू भी उन्होंने सिखाई है लाइफ की और उसको हमेशा ऐड करना है कुछ पर्टिकुलर एम्स से। तो ये हमारी लर्निंग है गांधी की लाइफ से। अब ये देखिए जीएस पेपर 4 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है, पूरा चैप्टर गांधी के ऊपर, तो जीएस पेपर 4 का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम और कैपिटल वाला जो था वो जीएस पेपर 2 का भी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो एसए का भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ऐसे ये भी ऐसे का टॉपिक हो सकता है गांधी वाला जो है ये आर्टिकल, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं और इसकी बात सारी हो गई। नेक्स्ट आर्टिकल है टीआरआई का जो ऑर्डर आया है क्लियर टीवी का। अब ये भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि एज चेंज हो रही है बिल्कुल, और अभी इंटरनेट का एज आ रहा है, तो ये जो डायरेक्ट टू होम सर्विस जो आती है हमारे डिजिटल टीवी की, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और इनको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा रिप्लेस करती है। अब देखिए पहले जो कोडक कंपनी थी वो दुनिया की सबसे मतलब रिच कंपनी थी अपने एरिया के अंदर, अपने फील्ड के अंदर, जो फिल्म पेपर को बनाने के अंदर सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर थी। आज वो कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो गई क्योंकि उसने अपना अपग्रेड नहीं किया टाइम के साथ में और उसने डिजिटाइजेशन की तरफ वो नहीं बढ़ा, और जो उसके पहले वाले कैमरे होते थे वही सबसे बड़ा लीडर था उस टाइम पर। आज वो फिर भी थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर रहा है लेकिन सही टाइम पर उसने चेंज नहीं किया, तो सबसे बड़ी जो कंपनी थी दुनिया की इस फोटोग्राफी के फील्ड में वो फेल हो गई। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, वो फेल कर देती है अगर अपग्रेड हम नहीं करते हैं, तो हम इस चेंज को रोक नहीं सकते क्योंकि साइंटिफिक एक इनोवेशन बेस था। तो अभी चेंज आ रहा है कि जो टीआरआई का ऑर्डर आया ये तो आया रेगुलेशन के लिए, जो इन डीटीएस सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, लेकिन एक नया एज जो चेंज हो रहा है वो है इंटरनेट टीवी वाला, और जो हम यूट्यूब पे और जो स्ट्रीमिंग वाली जो सर्विसेज हैं अमेजन नेटफ्लिक्स ये सब जो देखते हैं, ये एक नए एज के सॉल्यूशंस हैं और ये आने वाले हैं आगे, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए और उसके हिसाब से इन कंपनीज को भी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए और उसके हिसाब से चेंजेस भी लाने चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था कि अभी क्या ऑर्डर आया है नया कि लोग जो चैनल देखना चाहते हैं उसी के लिए वो पे करेंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से आला कार्टे बेसिस मतलब एक चैनल्स का ग्रुप होगा उसको हम चूज कर सकते हैं, उसके लिए ही हम पे करेंगे। वो हमारे ऊपर थोपा नहीं जाएगा कि कौन सा जो है एक कॉम्बिनेशन होगा जिसके लिए हमें हमसे वो पैसे ले लेते हैं कि कुछ चैनल फ्री हैं और कुछ वो हम चूज करते हैं, तो वो हमारा सारा हमारा होना चाहिए क्योंकि आज कंज्यूमर जो है उसकी विश इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल है उसके पास में, आज उसके पास में इंटरनेट सर्विसेज हैं, सब कुछ वो देख पाता है। और देखिए चैनल्स के ऊपर जो प्रोग्राम्स आते हैं वो भी यूट्यूब वगैरह के ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद में, तो हम सब उसको देख सकते हैं। और अमेजन जैसी सर्विसेज जो आती है वो तो ये भी आ रही हैं कि कुछ सब्सक्रिप्शन पैसा लेती हैं और फिर एड फ्री वो चलता है, तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता एड वगैरह देखने में, तो ऐसे ऑप्शन जब अवेलेबल हैं तो ये कंपनीज जो हैं इनको थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए और पॉजिटिवली वेलकम करना चाहिए। और ये एक वेलकम मूव है टीआरआई का जहां पर कंज्यूमर को उसने सपोर्ट किया है कि हमारे पास ये ऑप्शन होगा और हमारे अकॉर्डिंग ही हम पे करेंगे, ऐसा नहीं कि अननेसेसरी हम पे कर रहे हैं, तो कहीं पर भी वो चीटेड फील नहीं करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये इनके लिए भी फायदा होगा, प्राइस डिस्कवरी इंपॉर्टेंट होगी और इनके क्लेम्स ज्यादा क्लियर होंगे और जिसमें उनको ज्यादा समझने की भी एक मतलब चैनल मिलेगा इन कंपनीज को, कंज्यूमर्स को, कि वो क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं उनकी डिमांड्स हैं, तो ये उनके भी फायदे की चीज़ें लॉन्ग टर्म के अंदर। हालांकि ये चेंज तो होने ही वाला है, ये भी बोला जा रहा है कि इंटरनेट टीवी सबको रिप्लेस कर देगा आने वाले टाइम में, सब कुछ ब्रॉडबैंड से इन सब चीज़ों से ही आएगा, 5G 6G कनेक्शन आने वाले हैं फ्यूचर में, तो इनसे बहुत स्पीड आने वाली है और ये सस्ते भी हैं चीप भी हैं,
तो हो सकता है कि ये चीज़ पूरा रिप्लेस हो जाए, लेकिन अभी भी इंडिया में जो है लगभग 20 करोड़ होम्स हैं जिनके अंदर टीवी है, और अभी 10 करोड़ और बचे हैं जिनके अंदर नहीं है, तो इनके पास स्कोप तो अच्छा खासा है क्योंकि सब लोग इंटरनेट की तरफ अभी नहीं गए हैं, तो लगभग एक डेकेड लग जाएगा, तो इस टाइम पर इनको सपोर्ट इसको करना चाहिए। तो ये TRAI का एक वेलकम मूव है, ये एक कहना है इनका, ठीक है, ये सीधी सी बात है। नेक्स्ट है प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं, एक तो स्टैटिस्टिक्स पैनल, इससे कुछ दो मेंबर्स ने क्विट कर लिया है। ये क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल पैनल है, ये एक तो कमीशन है, ये अलग से एडिशनल डिटेल जो मैंने आपको बताया, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, इसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं। देखिए अभी 3 पोस्ट वेकेंट पड़ी है चेयरपर्सन की, मेंबर की, दो मेंबर वेकेंट है और चेयरपर्सन वेकेंट है, सिर्फ एक्स ऑफिशियो अमिताभ कांत जो है, बहुत जिनके बारे में हाईलाइट न्यूज आती रहती है, तो एक तो बस ये बचे हैं, एक ये बचे हैं प्रवीण श्रीवास्तव अभी, क्योंकि ये जो दो लोग हैं पीसी मोहनन और मीनाक्षी, और पीसी मोहनन को तो चेयरपर्सन का काम दिया गया था, ये दोनों रिजाइन कर रहे हैं। क्यों, फिर से वही कंट्रोवर्सी है कि हमें साइडलाइन किया जा रहा है, हमारे रिकमेंडेशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, तो हम इसमें काम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है गवर्नमेंट की वर्किंग के ऊपर, और जो प्रेशर फील कर रही है इंस्टीट्यूशंस, ये फिर से वही बात आ जाती है। तो इन्होंने सीधा ये बोल दिया कि हम रिजाइन कर रहे हैं, तो अब सिर्फ दो मेंबर बचेंगे इसमें स्टैटिस्टिकल पैनल में। ये एक्चुअली हेल्प करता है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो डेटा कलेक्ट करती है, जैसे NSSO का डेटा कलेक्ट करती है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह जो रिलीज करती है, तो इसमें डेटा की जरूरत पड़ती है, तो ये स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है वो ये पैनल इसमें हेल्प करता है काफी। 2005 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन भी बताया। तो इन दोनों ने रिजाइन कर दिया है, ये एक चिंता का विषय है, पीसी मोहनर और मीनाक्षी, उसमें एक इंसान हुआ जिनको चेयरपर्सन का काम दिया गया था, ठीक है, तो ये इशू है। नेक्स्ट है गोल्डन लंगूर, ये देखिए एंडेंजर्ड स्पीशीज है और वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर भी शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स के अंदर भी अपेंडिक्स 1 में आता है, इसका मतलब ये टोटली जिसको मिलना चाहिए कंजर्वेशन वैसा वाला एनिमल है और एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है, वो आपको पता ही IUCN कैटेगरी आती है। दूसरा इसका नाम गोल्डन लंगूर है और इसको जो है गीज गोल्डन लंगूर भी बोलते हैं, सिर्फ असम के एरिया के अंदर, देखिए असम यहाँ पर है और ये ओरांग नेशनल पार्क है, इधर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानस रिवर आती है, इधर भूटान से सेंकोस रिवर आती है, इसी एरिया में, नॉर्थ वेस्ट एरिया में असम में बस ये मिलता है, यहीं पर इसकी पॉपुलेशन बची हुई है और ये खतरे में है। तो इसके रिगार्डिंग एक ब्रीडिंग प्रोजेक्ट जो है उसकी सक्सेस अभी बताई गई है, 2012 में ये स्टार्ट हुआ था असम में, तो असम में ही इसके बारे में बताया गया गोल्डन लंगूर, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मानस रिवर ईस्ट में और सेंकोस रिवर, ये दोनों रिवर ही जो है भूटान से आती हैं, याद रखना आपको, और ये ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी हैं, तो इनके जो एरियाज हैं बेसिन एरिया वहां पर ये मिलता है बीच में, और इंडो भूटान बॉर्डर के ऊपर है, भूटान में एक ब्लैक माउंटेन्स है वहां पर बस ये मिलता है, और बाकी ये असम के इस एरिया में मिलता है, तो ये इसका हैबिटेट है। नेक्स्ट है MCQs, इनको ट्राई करना आप और इनके आंसर्स लिखना, 4 MCQ मैंने आज आपको दिए हैं, और जो मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये आपको लिखने हैं, इनको ट्राई आपको करना है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अमित सैनी, ये ग्रुप है जहां पर मैं PDFs अपलोड करता हूँ और आपको ये आसानी होगी डाउनलोड करने में, और जो मैं लेसन बोलता हूँ सारा लेक्चर वो सुना करो, उसके बाद PDF पढ़ लिया करो, ये टोटल काम आपका हो गया, फिर अलग से पेपर PIB पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अमित।